नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरव आपका आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं सवाल जवाब सीरीज के एक अनदर एपिसोड के बारे में। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की थी एपिसोड नंबर 56 के सवालों को लेकर के। आज के इस वीडियो में एपिसोड नंबर 57 के सवालों को लेकर के हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी जो भी ज्योतिषीय प्रश्न मुझसे करना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से, सवाल जवाब सीरीज के किसी भी वीडियो के माध्यम से मुझसे कर सकते हैं, आपको उसका जवाब जरूर से मिल जाएगा। केवल आपसे रिक्वेस्ट इतनी है कि आप जो भी सवाल करें वो पर्सनल अपनी बर्थ डिटेल से रिलेटेड ना हो। यदि कोई ऐसे सवाल हैं जो कि सार्वजनिक हैं, यदि कोई ऐसे सवाल हैं जो कि इस वीडियो को देखने वाले प्रत्येक दर्शक को पसंद आते हैं, तो इस तरह के सवाल का स्वागत है। चलिए, आज का पहला प्रश्न जो है वो ले लेते हैं। और श्रीधर जी ये हमसे सवाल करते हैं कि कन्या लग्न में गुरु और शुक्र दोनों ही अच्छी प्लेसमेंट में हो तो क्या शुक्र की महादशा में सफेद पुखराज पहना जा सकता है? जी बिल्कुल पहना जा सकता है, कोई इश्यू नहीं है। यदि आप कह रहे हैं कि दोनों ही अच्छी जगह पर बैठे हुए हैं, वैसे सफेद पुखराज जो होता है वो शुक्र और गुरु दोनों का मिला जुला एक रत्न माना जाता है। हालांकि मैं इसके लिए सजेशन कभी देता नहीं हूँ आगे से, लेकिन जो पहने रहते हैं और यदि गुरु और शुक्र की महादशा या अंतरदशा कुछ चल रही है और दोनों ही ग्रह यदि अच्छे भी हैं और नहीं भी यदि महादशा अंतरदशा चल रही है तो भी ऑलरेडी कोई ग्रह ये ग्रह पहन करके रखा है या इस रत्न को पहन करके रखा है तो मैं कहता हूँ पहने रख सकते हैं, कंटिन्यू रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दीपक जी मुझसे कहते हैं सर बर्थ डेट हो टाइम ना हो तो उसकी कुंडली देखी जा सकती है क्या? दीपक जी, ज्योतिष में आपको समय, एग्जैक्ट समय, एग्जैक्ट डेट और एग्जैक्ट प्लेस इसकी जरूरत तो होती ही है ना। इसमें से कोई भी एक यदि नदारद है तो कुंडली नहीं देखी जा सकती। लेकिन हाँ, यदि आपके पास डेट है, एग्जैक्ट डेट है, ऑब्वियसली प्लेस तो सबको पता ही होता है, और टाइम नहीं है तो आपको क्या है कि टाइम करेक्शन करवाना होता है। हमारे यहाँ कैसा होता है मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपसे ये पूछूंगा कि भाई आपका जो समय है थोड़ा सा मुझे बताइए कि सुबह का वक्त है, दोपहर का वक्त है या फिर शाम का वक्त है। शाम का है तो 5 से लेकर के 9 तक का है, या सुबह का है तो सुबह के 5 से लेकर 9 तक का है, या दोपहर का है तो दोपहर के 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक का है। इसमें से कुछ आपको बताना पड़ेगा। अभी यदि आप ये बता देते, क्योंकि कई लोगों को ये चीज़ तो पता होती कि भाई सुबह का है, कहीं कहते हैं आधी रात का है, कहीं कहते हैं कि भाई शाम का है, तो ये तो पता होता है। तो ये आपने बता दिया, उसके बाद में फिर हम कुंडलियां निकालते हैं, बनाते हैं, लग्न निकालते हैं। लग्न, 2 लग्न की कुंडली, 3 लग्न की कुंडली, 4 लग्न की कुंडली, जैसा भी आपने समय दिया उस अनुसार बनती है। अभी जो लग्न की कुंडलियां बनती है उसे हम सामने रख लेते हैं, मैं सामने रख लेता हूँ, और उसके आधार पर चूंकि यदि फोन कॉल कंसल्टेशन होता है तो उसके वैसा, या फिर ऑफिस विजिट होता है तो वैसा, उसके आधार पर मैं क्वेश्चंस करता हूँ आपसे, आपसे क्वेश्चंस करता हूँ आपके व्यवहार का, आपके लुक का, आपके पास्ट लाइफ का, ओवरऑल मैरिड लाइफ हो तो मैरिड लाइफ का, बच्चे हो तो बच्चों का, नौकरी वगैरह वगैरह मैं क्वेश्चंस करता हूँ। आपको भी यदि कुछ बताना है अपने बारे में तो आप भी बताते हैं, और उस आधार पर एक कुंडली यहाँ पर सिलेक्ट की जाती है कि भाई ये लग्न इनका होगा, है ना। और फिर वो जब लग्न निकल के आता है तो फिर सूक्ष्म कुंडलियां भी बहुत मायने रखती हैं, एग्जैक्ट समय भी निकलना चाहिए, तो फिर और क्वेश्चन आंसरिंग होता है, और उस आधार पर फिर हम एक समय यहाँ पर मान लेते हैं कि भाई वो समय है, तो ऐसा किया जाता है। इसके बाद में पैम पॉक्स इस नाम से अकाउंट है, ये कहते हैं नाइस इंफॉर्मेटिव वीडियो बट अ डाउट। ये कहते हैं वीडियो तो बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन वाला है लेकिन इनको एक डाउट है। ये कहते हैं मैंने कहा था एक वीडियो में कि राहु का कलर जो है वो ग्रे है, स्मोकी है, बट इट इज सेड दैट इट्स अ केतुस कलर, लेकिन ये कहा जाता है कि भाई ग्रे स्मोकी तो केतु का कलर है। इट इज सेड दैट राहु कलर इज ब्लैक, प्लीज क्लियर द डाउट। ठीक है, इनको किसी ने कहा है या ऐसा कहीं सुना है कि भाई राहु का कलर ब्लैक है और केतु का कलर स्मोकी है या ग्रे है, तो इन्हें डाउट है कि क्या एग्जैक्टली कलर है। तो देखिए, राहु का कलर तो ग्रे और स्मोकी ही है, एग्जैक्ट ब्लैक जो होता है या ब्लू जो होता है वो शनिदेव का कलर माना जाता है ना। तो राहु का कलर स्मोकी है। अभी केतु के कलर में बात करें तो आपको हो सकता है आपको अचंभा हो, लेकिन केतु का कलर सफेद है। कई बार जब ग्रह शांति होती है तो वहां पर सफेद ध्वजा केतु के नाम से रखी जाती है, तो केतु का कलर सफेद होता है और राहु राहु का कलर जो होता है वो स्मोकी या ग्रे होता है।
अर्चना जी मुझसे कहती है तुला लग्न की कुंडली में जुपिटर नाइन्थ हाउस में वक्री है तो उनकी महादशा में कैसे रिजल्ट होंगे और उपाय बताएं, धन्यवाद। अर्चना जी देखिए ऐसा है कि मैं हमेशा ये बात बताते आया हूं कि किसी भी लग्न की कुंडली में यदि कोई मारक ग्रह बैठा है तो वो अपने खराब फल देगा, कहीं पर भी वो मारक ग्रह बैठा। मारक ग्रह का काम है खराब फल देना, विपरीत राज्यों की स्थिति में आ जाता है तो खराब फल वो नहीं देता है, लेकिन सामान्यतः तो मारक ग्रह खराब फल ही देता है। अभी आप तुला लग्न की बात कर रही हैं, जुपिटर की बात कर रही हैं, इसमें गुरु जो होते हैं तुला लग्न की कुंडली में मारक होते हैं, चूंकि मारक है तो कहीं पर भी जाकर के बैठ जाएं, इन्होंने अपने खराब फल देना है, ये नाइन्थ हाउस में भी इन्होंने अपने खराब फल ही देना है। विशाल जी मुझसे कहते हैं हेलो सर, हेलो विशाल जी, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ वेयरिंग राहु स्टोन, राहु इन द सिक्स थ्री एंड इलेवेंथ हाउस, इन द दशा ऑफ जुपिटर इन एट हाउस ऑफ राहु फॉर स्कॉर्पियो असेंडेंट वेयर राहु इज प्लेस्ड इन नक्षत्र। ठीक है विशाल जी, ये कहते हैं कि राहु का रत्न पहनना क्या फर्क डालेगा जब राहु तीसरे छठवें और ग्यारहवें भाव में हो और गुरु की दशा चल रही हो स्कॉर्पियो असेंडेंट के लिए। देखिए मैं हमेशा से ये बात कहते आया हूं कि तीसरे छठवें स्थान में यदि कोई भी ग्रह बैठता है इंक्लूडिंग राहु केतु तो ये अपने खराब फल देते हैं, तो मैं यहां पर ये कहूंगा कि ये तीसरे और छठवें भाव में अपने खराब फल देंगे। रही बात कि ये ग्यारहवें भाव में बैठते हैं तो वृश्चिक लग्न की कुंडली के ग्यारहवें भाव में छह नंबर आया, अभी जब छह नंबर आया तो यहां पर बुध का स्थिति भी हमें देखना पड़ेगा क्योंकि ये बुध की राशि में बैठे हुए हैं, बुध की राशि मित्र राशि है, मित्र राशि में तो राहु ने अच्छे फल देना है लेकिन बुध ने भी अच्छा होना चाहिए, तो बुध को देख लीजिए, यदि बुध अच्छे हैं तो ये इलेवंथ हाउस में बहुत अच्छे फल देंगे। तन्नु जी मुझसे कहते हैं कि सर अगर घर नीच का राशि में हो कोई ग्रह, इन्होंने घर लिख दिया है उनका मतलब है ग्रह, कोई ग्रह नीच राशि में हो तो हमें ग्रह का रत्न पहनना चाहिए क्या, ग्रह नीच राशि में हो यदि उसका नीच भंग नहीं होता है तो उसका रत्न नहीं पहनना चाहिए। प्रदीप परमार जी मुझसे कहते हैं सर अगर राहु ट्वेल्थ भाव में फोर डिग्री में हो और गुरु केंद्र में फोर डिग्री में उच्च के हो तो और मारक हो तो दोनों में से किसकी महादशा ज्यादा खराब होगी। प्रदीप जी एक बात तो मैं ये कह सकता हूं कि राहु और गुरु दोनों की ही दशा जो है वो खराब होगी, दोनों की दशा खराब होगी, लेकिन किसकी ज्यादा खराब होगी अब इसके लिए तो आपकी पर्सनल कुंडली देखना पड़ेगा, सूक्ष्म कुंडलियां भी देखना पड़ेगा, नक्षत्र भी देखना पड़ेगा और तब जाकर मैं बताऊंगा, लेकिन दोनों की दशा खराब होगी इतना मैं यहां से कह सकता हूं। अंजलि जी मुझसे कहती हैं हेलो गौरव जी, हेलो अंजलि जी, आपका ये सवाल जवाब एपिसोड लाजवाब है, थैंक यू वेरी मच, हमें बहुत गाइडेंस मिलता है जी, धन्यवाद, पर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ज्यादातर डायवोर्स होने लगे हैं इंडिया में तो आप नवमांश कुंडली कैसे देखें और आगे का जीवन कैसा रहेगा, पति पत्नी का जीवन कैसा होगा, इस पर तो कुछ सीरीज बनाएं। अंजलि जी नवमांश कुंडली पर ऑलरेडी मेरा वीडियो बना हुआ है, सूक्ष्म कुंडलियों को लेकर के एक पूरा सीरीज है जिसमें नवमांश D9 चार्ट या फिर नवमांश कुंडली इस नाम से शीर्षक से आपको वीडियो मिल जाएगा। रही बात पति पत्नी का जीवन कैसा रहेगा और यदि डीप जानना है तो मैं हमेशा कहता हूँ कुंडली मिलान करना चाहिए और इस पर भी आपको एक सीरीज मिलेगा, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी कुंडली मिलान पर जिसमें भकुट दोष, नाड़ी दोष, योनि दोष, गण दोष के सारे वीडियोस आपको उसमें मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, तो ऑलरेडी आप बने हुए हैं। हाँ मैं यह नहीं कहता हूँ कि संपूर्ण ज्ञान मैंने दे दिया है, संपूर्ण ज्ञान तो नहीं दिया जा सकता लेकिन फिर भी जितना कोशिश होता है उतना मैं देता रहता हूँ, और भी कुछ ज़रूरत है तो मुझे बताइएगा, जहाँ कमी है उस कमी को भी मैं दूर करने का पूरा प्रयास करूँगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतने सवालों को लिया है, इन सवालों के जवाब मैंने सटीकता के साथ देने की कोशिश की, मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। दोस्तों आने वाले वीडियोज में आने वाले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे मैं विदा चाहूंगा, नमस्कार।